Okay, so JSP data type, so like the other programming language, the scripting is not having any kind of data type. So at the time of passing value, it is converting to the special type. Okay, it is not having any data type of its own. तो यहां पर देखो, देखो तो भ्यार एक्स 16 प्लस वॉल्वो, देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर वॉल्वो है, लेकिन ये 8 नहीं हो पाएगा, तो दोनों क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन होगा, मतलब जॉइंट होगा। इट इज ए टू स्ट्रिंग, इट इज कंसिडर एज ए टू स्ट्रिंग, तो जॉइंट होकर दिखाएगा 16 एंड वॉल्वो। जैसे देखो स्ट्रिंग का क्या है, इससे वहाँ पे इंटीजर है ना, 16 नंबर है, तो स्ट्रिंग कहाँ से होगा वो वाला? तो वही बोल रहा हूँ, अगर आपका इंटीजर और स्ट्रिंग तो ऐड नहीं हो पाएगा, अगर ऐड नहीं होता है, प्लस इज कंसीडर एज ए कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, मतलब दोनों को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और कॉन्कैटिनेट करेगा। देखो 16 एंड वॉल्वो, यस सर, यस, ए स्क्रीनशॉट लो, यस सर। Thank you.
incoming call is not available on this number. इसके बाद है जेएसपी फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन में क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दोनों कैसे काम करेगा यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर तुमको दिखा रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन सब क्या है। वृंदन तुम्हें क्लास अटेंड करने को मैं क्लास अटेंड करो सर मेडिकल की जरूरत है। तुम्हें इतने बिजी रहो लेकिन क्या बोलते अटेंड करो क्लास। तो ये लोड होने दो, यहाँ पर दिखाते हैं आपका यूजर तो द फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन इट इज डिजाइन टू डू द स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। इट इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। द फंक्शन इज एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इज इन्वॉल्व is when you call the function then it is execute something. This function is two types, one is user defined function, another is predefined function. So the predefined function kya kya rehte hain hum discuss karenge idhar.
नो हेलो बोलो ओके तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट हैज एग्जीक्यूट व्हेनेवर द सेम कोड इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। अरे मुझे पता है पढ़ाऊंगा, अभी फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको इफ एल्स स्विच केस पढ़ाऊंगा। Function is a self-contained block of statement that has a name. It can be executed when the same code is required to perform repeatedly on the different script. Function is created in a separate module with name attached to it. तो हर एक function का काम different रहता है। जैसे कि आपका mobile में एक Bluetooth functionality है, एक Wi-Fi है, तो Bluetooth का functionality अलग है और Wi-Fi का अलग functionality रहता है। So you can easily detect the error in the script by comparing the expected result of execution of each function. So har ek function ka alag alag kaam hota hai, so based upon that work then function is working. This function is of two type, one is built in function, another is user defined function. So two type of function we are using, built in and another is user defined function. Okay, built-in function is one. The built-in functions are ready to use as they are already coded. Some of the built-in functions supported in the JavaScript are isNone, forgeInt, forgeFold, evaluation, prompt, and confirm. Okay, so these are the predefined functions that is available. पहले तुम एक function का snapshot लो। हाँ बोलो। Yes sir, yes sir. देखो स्क्रीनशॉट लिया था, ये वाला ले लिए। ये बिल्ड इन फंक्शन इज each function is determined whether the parameter is a number. जो भी parameter value आप pass करोगे number है कि नहीं वो check करने के लिए each none use किया जाता है। ठीक है, स्नैपशॉट लिए। स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है सर, तो बोलो उसमें क्लास के। हेलो, हाँ बोलो सर। मुझे स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है जो नंबर 1=2000 उसे कैसे शो कैसे करेगा, जो लास्ट में अलर्ट भी लिखे हैं ये वाला कोड स्क्रिप्ट के अंदर नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हैं जो ये पास किए ना रिजल्ट लिखा तो इज ना नंबर 2 मतलब ये यहाँ पर दो वेरिएबल है, नॉम 1 इज 2000, नॉम 2 इज 8000। ओके यस सर, यस सर। तो अभी आपको चेक करना है कौन सा वैल्यू आपका नंबर है और स्ट्रिंग है। ओके यस सर। तो मैं यहाँ पर अलर्ट रिजल्ट में शो कर दिया, लेकिन रिजल्ट इक्वल टू इज ना नॉम 2, नॉम 2 को मैं चेक करूंगा।
यहाँ पर रेजर इज नॉट नॉर्मल, तो कौन सा वैल्यू नंबर नहीं है वो चेक करेगा। यहाँ पर अगर नंबर टू में क्या है, ए वैल्यू आपका क्या है, नंबर नहीं है, तो ये आपको दिखाएगा इट इज नॉट ए नंबर। समझ में आया? हेलो सर, आपको वॉइस नहीं आ रहा ठीक से। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो हेलो, तो यहाँ पर हम दो वैल्यू नहीं है, नंबर वन में 2000, नंबर टू में 8000। नंबर वन में जो 2000 है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो रिजल्ट इक्वल टू इज नन। नंबर टू यहाँ पर ट्रू दिखाएगा, यहाँ पर फॉल्स दिखाएगा। उठाओ, रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद है एक और एक फंक्शन, नॉन फंक्शन। तो नॉन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नॉट ए नंबर वैल्यू, नॉन मीन्स नॉट ए नंबर, दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट दैट वैल्यू इज नॉट ए लीगल नंबर। ओके, दिस यूज टू इज नन, इसलिए हम यूज नन यूज करते हैं ताकि वो चेक करेगा जो नंबर हम पास कर रहे हैं वो नंबर है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कोड है पार्स आईएनटी। द पार्स आईएनटी फंक्शन पार्स द स्ट्रिंग एंड रिटर्न ए कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर। कोई भी स्ट्रिंग जो नंबर में है उसको इंटीजर। वॉइस नहीं आ रहा है कुछ, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा कुछ। हां अभी आ रहा है ये सर, अभी आया, अभी वॉइस आया सर। ये सर अभी आया, अभी आया।
तुम्हारा नेटवर्क अप एंड डाउन जरूर रहेगा। देखो पॉज आई एन टी फंक्शन इट रिटर्न इट कन्वर्ट ए नंबर इट कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू ए नंबर। कोई भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर वो करेगा, लेकिन जो स्ट्रिंग को वो नंबर में कन्वर्ट करेगा वहां पर वो देखेगा जो स्ट्रिंग वो एक्चुअली वो स्ट्रिंग में नंबर वैल्यू है कि नहीं। अगर कोई भी नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर है और उसको तुमको नंबर में कन्वर्ट करना है ओके तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या नब पास आईएनटी। लेकिन अगर कंप्लीट कोई स्ट्रिंग है सपोज कोई भी जगह का नाम है तो उसको तो इंटीजर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद है पार्ज फ्लोट। पार्ज फ्लोट फंक्शन टेक्स ए स्ट्रिंग पैरामीटर एंड रिटर्न द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब कोई भी स्ट्रिंग को अगेन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वहां पर भी वो इंश्योर करेगा जो फ्लोट वैल्यू है जो स्ट्रिंग वैल्यू है जो जिसको वो फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता है वो फ्लोट में वो स्ट्रिंग फ्लोट में ही अगर है तभी जाकर कन्वर्ट करेगा, नहीं तो ऐसा ही ऐसे कन्वर्ट कोई भी अदर स्ट्रिंग और वर्ड को कन्वर्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट ले जाओ। यस सर। हो गया। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन फंक्शन। इवैल्यूएशन फंक्शन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट और एग्जीक्यूट ए पैरामीटर। इफ द पैरामीटर इज एन एक्सप्रेशन देन द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। ओके तो इवैल्यूएशन का मतलब है एक एक्सप्रेशन को वो कन्वर्ट कर देगा वैल्यू में। तो भार रिजल्ट वन इक्वल्स टू जीरो, रिजल्ट वन इक्वल्स टू फाइव प्लस टेन, वो नंबर को ऐड कर दिया। उसके बाद अलर्ट रिजल्ट किया। यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएशन इक्वल्स टू 5 प्लस 10। ओके एक स्टेटमेंट को यहाँ पर इवैल्यूएशन यहाँ पर कर लिया। क्लियर? हम जो अलर्ट को स्टार्टिंग में जो होगा नहीं स्टार्टिंग में ऐसे वो लास्ट में लिखा हम स्टार्टिंग में लिखना चाहे तो लिख रहे हो वो लिख सकेंगे अलर्ट को पहले आगे रिजल्ट दिखा दोगे उसके बाद इवैल्यूएशन करोगे। ठीक है ठीक है। तो पहले नंबर को ऐड करने के बाद रिजल्ट दिखाओगे, पहले डिस्प्ले करोगे तो क्या? इसको उठाओ फोटो इवैल्यूएशन। यस सर। हो गया। ये और एक कोडिंग है, नंबर वन इक्वल्स टू फाइव, नंबर टू इक्वल्स टू टेन, रिजल्ट इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू, अलर्ट रिजल्ट वन। ये और एक जैसे हो गया सर। Then prompt. Prompt function is used to display a prompt or dialog box. It is used to input a value. The prompt dialog box contains two buttons, OK, cancel. If the user clicks OK button, then prompt function returns the value. Prompt means it is showing a message. Do you want to open a file? Do you want to download a file? Do you want to delete a file? That is a prompting. So prompt function is used to display a prompt dialog box which allow a user to input a value. The prompt dialog box contains two buttons. One is OK and cancel. If the user click OK button, then prompt function return the value entered by the user. Okay.
So here it is written that var name equals to prompt, please enter your name Jan, then alert name. तो यहाँ पर आपको name show करेगा, जो भी name आप enter करोगे वहाँ पर ये store show करेगा, लेकिन अगर कुछ भी name आप pass नहीं करते हो then by default it is showing you John. Okay. देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल है, भ्यार एबीसी ए इक्वल्स टू पर्स आईएनटी एंटर ए नंबर प्रॉम्प्ट, मतलब पूछेगा आपको, मांगेगा मैसेज एंटर ए नंबर प्रॉम्प्ट एंटर नंबर टू, अगेन यू हैव टू गिव ए सेकंड नंबर, देन दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा. ओके पास आईएनटी क्यों लिखे यहाँ पे, नॉर्मल ए को प्रॉम्प्ट लिख के लिख देते थे. So normally A equals to prompt enter number pass int क्यों लिखे? Normally क्या लिखते? Normally A में जो variable ये A B C उसके बाद A equals to prompt then bracket में enter number one तो लिख सकते थे, तो pass int क्यों लिखे वहाँ पे? आप जब भी यूजर से और स्क्रीन में जो भी डाटा लाते हो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट का डाटा रहता है. ओके तो इसलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको कन्वर्शन मेथड का जरूरत होता है. अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे ए इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू 15 देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट. लेकिन जब भी कोई इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंफॉर्मेशन लाते हो देन इसको बोला जाता है वो स्ट्रिंग का वैल्यू होता है, उसको अगेन आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम पर्स मेथड यूज करते हैं. समझ में? ओके उठाओ ये सर ले लिया उसे सर. ओके ठीक है. तो एक कॉन्फर्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे. कंफर्म खत्म होने के बाद आपका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब यूजर कैसे खुद का फंक्शन बनाएगा वो पढ़ेंगे, और इवेंट हैंडलिंग का पढ़ेंगे, कैसे बटन के बटन क्लिक करने के बाद आपको मैसेज शो करेगा वो पढ़ेंगे. सर 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 जो अभी नहीं पढ़े ईच नान थोड़ा और बता देंगे समझ में. ईच नान अभी नहीं बताया फंक्शन. इज नान का मतलब है कोई भी वेरिएबल में अगर आप जो वैल्यू पास करते हो वो वैल्यू न्यूमेरिक है कि नहीं चेकिंग करने के लिए इज नान यूज किया जाता है. अगर वो वेरिएबल में आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हो देन वो रिटर्न करेगा दैट योर वैल्यू इज ए न्यूमेरिक वैल्यू. अगर आपका वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है तो इज नान आपको फॉल्स दिखाएगा. ओके सर मैं व्हाट्सएप में सब कुछ फोटो भेजा, दो फोटो भेजा था, उसे मीनिंग सब बता देंगे सर. हेलो देख रहा हूँ. यस सर. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग जी सर. ये सर जो लिखा है एक yes, स्क्रिप्टिंग सर्वर में एग्जीक्यूट होता है, वो एक स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट होता है. जो क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट होता है उसमें क्या होता है ना, क्लाइंट का लोड ज्यादा रहेगा. कुछ स्क्रिप्टिंग सर्वर में रहता है, जैसे कि डाटाबेस कनेक्शन आपको करना है
डाटाबेस में डाटा सेव करना है, फाइल स्टोर करना है, तो आपको वहां पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का जरूरत पड़ेगा। क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग में क्या यूज किया जाएगा, सपोज आपको कुछ वैलिडेशन करना है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, यूजर आईडी पासवर्ड का लिंक करेक्ट है कि नहीं, ये सारा चीज आपका चेक होगा किसमें ना, आपका जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में चेक होगा। ओके आया समझ में? यस यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कल हम मिलते हैं। ओके ओके सर।